हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। इस क्लास में हम क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Solve the following and check your result। तो ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और चेक करना है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3x equals to 2x plus 18। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इधर 2x ऐड हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 3x, ये 2x इधर ऐड हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिख लेंगे माइनस 2x equals to 18। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3x minus 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिख लेंगे x equals to 18। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x equals to 18। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 18। अब हमें इसको चेक करना है, तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, टू चेक। तो हमें इस इक्वेशन को चेक करना है और x का वैल्यू कितना आया, 18 आया। ये हुआ LHS और ये हुआ RHS। अब हम LHS की तरफ x का वैल्यू पुट करेंगे और RHS की तरफ भी x का वैल्यू पुट करेंगे। LHS और RHS इक्वल हो गया तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये 3, इधर x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 18 है तो हम x की जगह पे 18 पुट करेंगे। इंटू 18 इक्वल्स टू, ये हमारा LHS हुआ तो हमने LHS लिख लिया, और ये है RHS तो RHS लिख लेते हैं। 2 इंटू x का वैल्यू हमारा क्या है, 18, तो हम 18 लिख लेंगे, और ये वाला प्लस 18 तो इधर लिख लेते हैं प्लस 18। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 54 लिख लेंगे, 54। तो LHS का वैल्यू क्या आया, 54 इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं। 2 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 36, और ये वाला प्लस 18 लिख लेते हैं। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर क्या है 54, तो ये 54 एज इट इज लिख लेंगे। अब 36 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 54। तो हमने देखा कि LHS को सॉल्व किया तो 54 आया और RHS को भी सॉल्व किया तो 54 आया। तो LHS equals to RHS हो गया, LHS equals to RHS। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, और LHS और RHS equal हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, तो लिख लेंगे इट इज करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। एक बार देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ताकि एक ही क्लास में हमें याद हो जाए। तो ये इक्वेशन है, पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इधर 2x ऐड हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3x minus 2x equals to ये वाला 18 लिख लिया। अब 3x minus 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये वाला 18, और हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 18 आ गया। अब हमें इसे इस रिजल्ट को चेक करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम चेक कर लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आया, 18 आ गया, तो हम इसको LHS में x का वैल्यू पुट करेंगे और RHS में भी x का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने इधर पुट किया, 3 इंटू x का वैल्यू क्या आया, 18 आया, तो 18 लिखा। यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखा। 2 इंटू x है, 2 इंटू x का वैल्यू क्या आया, 18 आया, तो x का वैल्यू पुट किया, और ये वाला प्लस 18 तो ये प्लस 18 लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 3 इंटू 18 क्या हो गया, 54, और 2 इंटू 18 ये वाला 36 प्लस ये वाला 18 लिख लिया। अब ये वाला जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 54 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये 54 आ गया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं LHS और RHS इक्वल हो गया, LHS और RHS इज इक्वल, सो ये इक्वेशन करेक्ट हो गया। सो हमने रिजल्ट लिख लिया, इट इज करेक्ट। तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करना है LHS equals to RHS आ गया तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या है, 5t-3 equals to 3t-5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5t इधर क्या है, +3t है, ये साइड लेकर आएंगे तो -3t हो जाएगा। लिख लेंगे -3t equals to, ये वाला -5 लिख लेंगे, -5 इधर क्या है, -3 है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो +3 हो जाएगा। लिख लेंगे +3। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 5t-3t कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। equals to -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो t equals to -2, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो कर लेते हैं डिवाइड बाय 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 कट हो गया, तो इधर क्या बचा, t का वैल्यू क्या बचा, t equals to -1। तो हमारा t का वैल्यू कितना आया, t equals to -1। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया और t का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो t का वैल्यू कितना आया, -1 आया। अब हम इस क्वेश्चन को हमें चेक भी करना है, तो चेक कर लेते हैं। टू चेक, ये क्या है, LHS है, और ये क्या है, RHS है। LHS equals to RHS हो गया तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये t का वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा कितना आया, -1 आया। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है, LHS है, LHS क्या है, 5 into t है इधर, तो हमारा t का वैल्यू क्या आया, t का वैल्यू आया -1, तो -1 लिख लेंगे। और इधर क्या है, -3, तो -3। हमने क्या किया, LHS लिख लिया, तो हमने LHS लिख लिया। उसी तरीके से हम RHS भी लिख लेंगे। RHS में क्या है, 3t, हमारा t का वैल्यू कितना आया, -1 आया, तो हम t की जगह पे क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। तो -1 लिख लिया। अब आगे क्या है, -5, तो इधर हम -5 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 into -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये वाला -3। उसी तरीके से हम इधर भी सॉल्व कर लेंगे, 3 into -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये वाला -5। -5 और -3 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इक्वल्स टू ये भी क्या हो जाएगा, -3 और -5 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा LHS equals to RHS हो गया, LHS equals to RHS हो गया। तो लिख लेंगे LHS equals to RHS। तो LHS और RHS equal हो गया, इसका मतलब ये equation जो है वो correct है। तो लिख लेंगे it is correct। तो है ना कितना आसान। तो इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार हम देख लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें चेक करना है। तो इस इक्वेशन को हमने इजीली सॉल्व किया, इधर क्या है, +3t है, हम इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3t हो जाएगा। और इधर क्या है, -3 है, ये साइड लेकर आए तो +3 हो गया। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, 5t-3t कितना हो जाएगा, 2t लिख लिया। Equals to -5 + 3 कितना होगा, -2 लिख लिया। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड आया तो डिवाइड हो गया। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, -1। तो t का वैल्यू कितना आ गया, t = -1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद t का वैल्यू कितना आया, t = -1। अब हमें इसको चेक करना है, LHS और RHS, ये क्या है, LHS है, तो 5t-3 है, तो 5 into t के जगह पे हमने क्या लिखा, -1 लिखा, और ये वाला -3।
इक्वल्स टू उसी तरीके से RHS को भी कर लेंगे, 3t-5, 3 इंटू टी के जगह पे क्या लिख लेंगे, टी का वैल्यू हमारा कितना है -1, तो -1 लिख लिया, इधर -5 है तो -5 लिख लिया, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है ये आया, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया। जब हमने सॉल्व करने पे LHS और RHS इक्वल आया, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, तो ये क्या हुआ, इट इज करेक्ट। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5x इधर +3x है, ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, तो लिख लेंगे -3x इक्वल्स टू 5, इधर +9 है, ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो लिख लेंगे -9। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 5x-3x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 5-9 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो लिख लेंगे -4। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे x इक्वल्स टू -4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय 2। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू -2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू -2। अब हम चेक कर लेते हैं, 2 चेक, अब हम चेक कर लेते हैं, ये क्या हुआ, LHS हुआ, और ये क्या हुआ, RHS हुआ। अब हम LHS में x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या है, -2, तो हम x के जगह पे -2 पुट करेंगे, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर क्या है, 5x 5 इंटू, यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आया, -2 आया, तो -2 लिख लेंगे, इधर क्या है, +9, तो +9 इक्वल्स टू, ये क्या है, RHS है, RHS क्या है, 5 + 3x, 5 + 3, x के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -2, तो x के जगह पे क्या लिख लेंगे, -2। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, LHS हुआ, तो 5 × -2 कितना हो जाएगा, -10, और ये वाला +9 लिख लेंगे, इक्वल्स टू RHS उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये क्या है 5, 3 × -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो लिख लेंगे, अब आगे सॉल्व कर लेंगे, -10 + 9 कितना हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू, और RHS में क्या है, 5 - 6 है, तो 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1। तो जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि LHS भी -1 है और RHS भी -1 है, तो क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो ये इक्वेशन करेक्ट हो गया, लिख लेंगे तो इट इज करेक्ट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो ये इक्वेशन है, पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, कैसे सॉल्व किया, इधर 5x है, इधर क्या है, +3x है, ये साइड लेकर आएंगे तो -3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 5, ये वाला +9 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -9, तो हमने -9 लिख लिया। अब आगे हमने सॉल्व कर लिया, 5x - 3x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 - 9 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हमने आगे सॉल्व किया, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आए तो डिवाइड हो गया,
तो क्या हो गया, माइनस फोर डिवाइड बाई टू हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू माइनस टू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू माइनस टू। अब हम चेक कर लेंगे LHS इक्वल्स टू RHS है कि नहीं, वो चेक कर लेंगे। तो ये हमारा LHS हुआ और ये RHS हुआ। अब LHS में क्या है, 5x प्लस 9 है, तो हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस टू पुट करेंगे। तो 5 इंटू माइनस टू और ये वाला प्लस 9 लिख लिया। उसी तरीके से RHS भी सॉल्व कर लेंगे। RHS क्या है, 5 प्लस 3x है, तो 5 प्लस 3 इंटू x का वैल्यू हमारा कितना है, माइनस टू, तो हमने माइनस टू लिख लिया। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 इंटू माइनस टू कितना होता है, माइनस 10, और ये वाला प्लस 9 लिख लिया, इक्वल्स टू 5, 3 इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 लिख लिया हमने, माइनस 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो LHS में क्या हो गया, माइनस 1। उसी तरीके से RHS भी सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 1। तो जैसे कि हम देख सकते हैं LHS और RHS इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ करेक्ट हो गया। तो ये इक्वेशन करेक्ट हो गया। पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x का वैल्यू फाइंड आउट किया और हमने चेक किया LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये करेक्ट हो गया। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और z का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4z इधर क्या है, प्लस 2z है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस 2z होगा, तो लिख लेंगे माइनस 2z इक्वल्स टू 6। इधर क्या है, प्लस 3 है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, लिख लेंगे माइनस 3। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 4z माइनस 2z कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, लिख लेंगे 2z इक्वल्स टू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 लिख लेंगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, z इक्वल्स टू 3, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो z का वैल्यू कितना आ गया, z इक्वल्स टू 3 बाई 2। तो z का वैल्यू कितना आ गया, z इक्वल्स टू 3 बाई 2। अब हम चेक कर लेंगे, टू चेक, तो ये क्या है, LHS हुआ और ये क्या है, RHS हुआ। LHS क्या है, 4z प्लस 3, तो हम z का वैल्यू पुट क्या करेंगे, 3 बाई 2, तो सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू z के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 बाई 2, तो लिख लेंगे इंटू 3 बाई 2। इधर क्या है, प्लस 3, तो प्लस 3 लिख लेंगे, इक्वल्स टू ये क्या है, RHS है, RHS क्या है, 6 प्लस 2 इंटू z है, 2 इंटू z के जगह पे क्या लिख लेंगे, 3 बाई 2, तो z का वैल्यू क्या है, 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 लिख लिया। अब हमने आगे सॉल्व कर लेंगे, ये 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 2 जा 4, इधर 2 हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या हुआ, 2 इंटू 3 रिमेनिंग है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 6 और ये वाला प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो क्या बचा, 3 हुआ, ये वाला प्लस 3 लिख लिया। अब ये क्या है, LHS है, LHS क्या है, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, तो हमने 9 लिख लिया, इक्वल्स टू RHS क्या है, ये RHS है, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब क्या, करेक्ट हो गया। सो इट इज करेक्ट।
तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, तो हमने जो जेड का वैल्यू निकाला था 3/2 वो करेक्ट हो गया, तो ये इक्वेशन करेक्ट हो गया। तो हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इधर क्या है 4z, तो हमने 4z लिख लिया। ये प्लस 2 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा -2z, तो -2z लिख लिया इक्वल्स टू ये वाला 6। ये प्लस 3 को ये साइड लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा। 4z माइनस 2z कितना हो जाएगा 2z, इक्वल्स टू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितना आ गया z इक्वल्स टू 3/2। हमारा z का वैल्यू कितना आ गया 3/2। अब हम चेक कर लेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS है कि नहीं। तो LHS हमारा क्या है 4z प्लस 3 है, तो 4 इंटू z के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3/2, तो हमने z के जगह पे 3/2 पुट किया और ये वाला प्लस 3 लिख लिया इक्वल्स टू RHS क्या है 6 प्लस 2z है, तो ये 6 प्लस 2 इंटू z के जगह पे क्या लिख लेंगे 3/2, तो हमने z के जगह पे 3/2 लिख लिया। अब आगे हमने सॉल्व कर लिया, ये 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2, तो 2 2 4, इधर 2 आ गया तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और ये वाला प्लस 3 लिख लिया इक्वल्स टू 6 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3, तो हमने 3 लिख लिया। LHS क्या है 6 प्लस 3 कितना होता है 9, इक्वल्स टू RHS क्या है 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। तो ये करेक्ट हो गया, जो हमने Z का वैल्यू निकाला वो करेक्ट है, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, इसका मतलब इट इज करेक्ट। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो इधर क्या है 2x, इधर क्या है -x है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो +x हो जाएगा, तो लिख लेंगे +x इक्वल्स टू 14, ये वाला -1 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे +1। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 3x लिख लेंगे इक्वल्स टू 14 प्लस 1 कितना होता है 15, तो 15 लिख लिया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 15, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 3, 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 3 5 15, तो 3 5 15, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया x इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया x इक्वल्स टू 5। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, टू चेक, अब हम चेक कर लेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS है कि नहीं। तो LHS हमारा ये है, RHS हमारा ये है, तो LHS क्या है 2x माइनस 1 है, और x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू x के जगह पे क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो लिख लेंगे 5 और ये वाला माइनस 1 इक्वल्स टू ये क्या है RHS है, RHS क्या है 14 माइनस x का वैल्यू हमारा कितना आया 5 आया, तो x के जगह पे 5 पुट कर लेंगे 5, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 लिख लेंगे और ये वाला माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। आगे सॉल्व कर लेंगे, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो LHS कितना हो गया 9 इक्वल्स टू RHS भी लिख लेंगे 14 माइनस 5 क्या होता है 9। तो जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। तो जो हमने x का वैल्यू निकाला है 5, जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है 5,
इसका मतलब वो करेक्ट है क्योंकि LHS equals to RHS हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज करेक्ट। तो हमारा जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया x equals to 5 वो करेक्ट हो गया क्योंकि LHS equals to RHS हो गया। एक बार देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो ये इक्वेशन है, तो पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो ये 2x, तो हमने 2x लिख लिया। ये वाला माइनस x को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू, ये वाला 14 लिख लिया। इस माइनस 1 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x equals to 14 plus 1 कितना हो जाएगा 15, तो हमने 15 लिख लिया। अब इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इधर डिवाइड कर लिया। तो x equals to 15 divide by 3 हो गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 जा, तो हमने 5 लिख लिया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम चेक कर लेंगे कि LHS equals to RHS है कि नहीं। तो ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। LHS में क्या है, 2x minus 1 है, तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो हमने वैसे ही किया, 2 इंटू x की जगह पे हमने 5 पुट किया और ये वाला माइनस 1 लिख लिया इक्वल्स टू, और ये क्या है, RHS है। RHS क्या है, 14 माइनस x है, तो हमने 14 लिख लिया माइनस x का वैल्यू हमारा कितना आया, 5 आया। तो हमने x की जगह पे 5 पुट कर लिया। अब आगे हमने सॉल्व किया, ये 2 5 जा 10 और ये माइनस 1 इक्वल्स टू, ये वाला हमने लिख लिया, 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 होता है, और 14 माइनस 5 भी 9 होता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, हमारा x का वैल्यू जो है वो करेक्ट आया है। तो इस क्लास में हमने क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्पीडी पढ़ाई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।